नतीजा निकाल देता हूँ। अब वही नतीजा यहाँ निकल गया है कि हुजूर लालमीन की तरह कुरान नहीं है कि मैं ये कहता हूँ निकल रहा है समझाए का हम लालिमन जो अल्लाह के मुकर्रर की इन्हीं हदों से कदम आगे बढ़ाए वो लालमीन है। अब जैसी हदों से कदम बढ़ाए ये गौरे महदाज का मुख्तसर खुलासा है कि जैसी हद से कदम आगे बढ़ाए वैसे दर्जे का दूर होगा। हद वजूबी भी हद है उससे कदम बढ़ाना है वो एक दर्जे का दूर है। हद इस्तेहबाबी भी हद है उससे कदम बढ़ाना वो भी एक दर्जे का दूर है। हुक्म इरशादी भी एक हद है उससे कदम बढ़ाना वो एक दर्जे का दूर है। बहरहाल ये उमूमी तारीफ है जुलम की जो अल्लाह कुरान है कि जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से कदम आगे वो है वो जालिमीन है। और अब हम देखते हैं कि कोई खिलाफ इस्मत बात न थी और कोई गुनाह नहीं था मगर कह दिया था कि हिजरत के पास न जाना तो वहां क्या लगने आएंगी कि लाओ पकड़ा आगे ही जगह इस दर्द के पास न जाना एक आदम हब्बा दोनों इस दर्द के पास न जाना वरना दालिमीन में से मेरे मैयार पर हो जाओगे। अब आप हद जुल्म की वसत देखते हैं यानी वो तो तफसील उसकी गुंजाइश नहीं व्यक्त करने की दर्द के पास जाना ऐसा बनाना था तो खिलाफ रस्मत हो वो उनकी शान के मुताबिक एक चीज थी जिसकी कुछ खासियतें ऐसी थी जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता था। ये सब अपने कुरान साबित है वो तफसीर मैंने तफसीर से लिखा है वो तफसीर यहां नहीं बल्कि वहां हिंदुस्तान में तैयार हो गई तो जरा ये कहा जा रहा है कि दर्द के पास न जाना वरना जालिमीन में से हो गए यानी जालिमीन का मेयार इतना सख्त है कि ऐसा अमल जो इस्तिलाहन गुनाह नहीं है जो इस्तिलाहन खिलाफ इस्मत नहीं है मगर किसी दर्जे हद्दे इलाही के बाहर है उसे कह दिया जाता है जालिमीन। और अब ऐसा हो रहा है कि ये मेरा होगा जालिमीन तक नहीं पहुंच सकता। इसके माननी है कि जैसा अमल आदम से हुआ वो भी इस मौके वालों से नहीं हो सकता है। बनी आदम में अफजल
तरह अगर आले इब्राहिम में से होने के बाद ये बकरे इब्राहिम हो जाए पहुंची या तुम तक पहुंची आई सलाह देगी वगैरह